कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको फिर से नेटवर्क डिवाइस के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम किस नेटवर्क डिवाइस पे बात करेंगे, NIC के ऊपर बात करेंगे। तो ये NIC जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। व्हाट इज NIC, फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब ये कितने टाइप का होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सभी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो NIC होता क्या है, NIC stands for Network Interface Card। NIC का पूरा नाम होता है Network Interface Card। एक इंटरव्यू में MCQ क्वेश्चन ये बन गया। इट इज़ हार्डवेयर डिवाइस विदाउट विच वी कैन नॉट कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क और इंटरनेट। NIC एक हार्डवेयर डिवाइस है, बिना NIC के हम अपने कंप्यूटर को ना ही नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं और ना ही इंटरनेट से कर सकते हैं। तो आप समझ जाइए इसका कितना बड़ा रोल है। अभी NIC ना दो टाइप का होता है, पहला क्या होता है, पहला होता है इंटरनल नेटवर्क कार्ड और सेकंड होता है एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। तो इंटरनल NIC क्या होता है आप उसे समझो सबसे पहले। इन दिस कार्ड्स द मदर बोर्ड हैज़ अ स्लॉट फॉर द न्यू नेटवर्क कार्ड, ठीक है। इस इंटरनल कार्ड में क्या होता है, मदर बोर्ड के पास ना एक स्लॉट होता है, एक जगह होता है जहाँ पे हम इंटरनल NIC को इंसर्ट कर सकते हैं मदर बोर्ड के अंदर में, वेयर इट कैन बी इंसर्टेड, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ नेटवर्क केबल RJ45 टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस। अगर आपको नेटवर्क से कनेक्ट करके नेटवर्क में एक्सेसिंग करनी है तो आपको एक केबल चाहिए होगा। इंटरनल NIC के केस में उसका नेम है RJ45, केबल का नेम है। तो यहाँ पे आप फिगर देख लो, इंटरनल NIC का मैंने बनाया है, ओरिजिनल फिगर भी आपको दिखता होगा। तो ओरिजिनल फिगर मैं नहीं बना पा रहा था इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है, अभी इसी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यही होता है इंटरनल NIC का फिगर। तो इसमें देखो आप एक स्लॉट दिखता होगा, ये वायर इंसर्ट करने के लिए स्लॉट दिया गया है। इसी स्लॉट में हम RJ45 वायर को इंसर्ट करेंगे। तो पहला सिरा हमारा यहाँ पे इंसर्ट होगा और दूसरा सिरा जो भी आपके पास नेटवर्क डिवाइस जैसे हब है, स्विच है, उन सभी में आप इंसर्ट करेंगे, तभी तो आप नेटवर्क बना पाएंगे और नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। आप चाहें तो दूसरा सिरा अपने मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट करके पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बना सकते हो। और जो भी NIC होता है ना, फिर चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, उस NIC के पार्ट्स ना एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि 48 बिट्स का होता है और उसी एड्रेस को हम MAC एड्रेस बोलते हैं। और इसी MAC एड्रेस के चलते हर NIC कार्ड अपने आप में अलग होता है और इसी के थ्रू हम कंप्यूटर नेटवर्क या फिर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। अभी चलो आपको एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड यानी एक्सटर्नल NIC के बारे में बताता हूँ। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड क्या होता है, इन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप दैट डजंट हैव एन इंटरनल NIC। किसी किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में ना इंटरनल NIC नहीं होता है, तब क्या करेंगे आप, एक्सटर्नल NICs आर यूज्ड, उस केस में आप एक्सटर्नल NIC यूज़ कर सकते हो। तो एक्सटर्नल NIC यूज़ करने का दो तरीका होता है, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है वायरलेस, आप वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू जैसे भी चाहते हो जाओ। सेकंड होता है USB केबल, USB केबल आपके मोबाइल के चार्जर में जो केबल होता है उसी को बोलते हैं। तो इसका एक सिरा आप क्या करो, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, दूसरा अपने डिवाइस से कर दो। तो ये दो तरीके से एक्सटर्नल में आपको कनेक्शन अलाउ करता है। अभी पूरे NIC का एडवांटेज क्या है, दोनों टाइप मिला के ये आपको अलाउ करता है अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए। दूसरा, ये वायर और वायरलेस दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। तीसरा, इसका एडवांटेज ये है कि हमारा जो NIC होता है ना, ये हमें IP एड्रेस के थ्रू भी अलाउ करता है नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, और साथ ही साथ लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू भी हम NIC से किसी अदर नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। तो NIC के पास खुद का जो यूनिक एड्रेस होता है वो MAC एड्रेस होता है, लेकिन कनेक्शन के टाइम में ये IP या फिर लोकल एरिया नेटवर्क पर हमें प्रीफर करता है। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ना डेटा सिक्योर्ड नहीं होता है, और साथ ही साथ कन्फिगर जो है वो बहुत बेटर होना चाहिए अगर आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करना है तब। और जब भी आप वायरलेस कनेक्शन में जाते हैं NIC में, तो ये पोर्टेबल नहीं होता वायरलेस वाला केस में। तो ये हो गया NIC का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस टाइप भी मैंने बताया, NIC क्या होता है ये भी बताया, इसका MAC एड्रेस भी बताया, 48 बिट्स का होता है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है NIC का एड्रेस जो कि यूनिक होता है। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दो।